उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों को मंगलवार को एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। इस मामले में अब तक मुख्य आरोपी मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद समेत मोहसिन खान, आसिफ हुसैन, मोहम्मद मोहसिन वसीम और फरहान मोहम्मद शेख को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं इससे मामले की तफ्तीश में एनआईए टीम की एक बार फिर उदयपुर आई। सोमवार शाम और मंगलवार को एनआईए ने कई जगहों पर दबिश दी और कई संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की है। एनआईए की टीम मंगलवार सुबह 5:30 बजे अंजुमन सदर मुजीबी सिद्दीकी के घर पहुंची और करीब 4 घंटे की तलाशी के बाद सदर मुजीब सिद्दीकी को हिरासत में लिया। साथ ही सोमवार को हुई कार्रवाई में एनआईए द्वारा 2 सदर, 1 मौलाना और 2 वकीलों के साथ एक अन्य व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में लेने की बात भी सामने आई है। सिद्दीकी की पत्नी समीना सिद्दीकी ने बताया कि सुबह जब टीम घर आई तब पूरा परिवार नमाज पढ़ रहा था। ऐसे में एनआईए की टीम ने करीब 15 से 20 मिनट घर के चौक में इंतजार किया और नमाज अदा होने के बाद पूछताछ शुरू हुई। बाद में घर की तलाशी भी ली। करीब 4 घंटे की कार्यवाही के बाद एनआईए अंजुमन सदर मुजीब सिद्दीकी को पूछताछ के लिए साथ ले गई। आपको बता दें कि सदर मुजीब सिद्दीकी कांग्रेस ब्लॉक ए के अध्यक्ष रह चुके हैं, वहीं उनकी पत्नी वार्ड 50 से पूर्व पार्षद रही हैं। इस मामले में सदर का भी दावत इस्लाम से जुड़ाव सामने आया है, उसी के चलते संदिग्ध मानते हुए पूछताछ की गई है। पुलिस ने सोमवार को कुल 6 लोगों को कॉल डिटेल के आधार पर हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है।